जहां एक तरफ अखिलेश के योगी को चुनाव के दौरान कड़ी टक्कर देने की चर्चा हो रही थी, वहीं अब प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ योगी की सत्ता में वापसी हो चुकी है और नई सरकार के गठन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होली के बाद सीएम योगी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसके लिए बीजेपी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता काफी खुश है और सबको इस समारोह के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। तय जिम्मेदारी के अनुरूप सब काम कर रहे हैं। अब जब शपथ ग्रहण होना है तो फिर तैयारियां भी तो भव्य ही होंगी। निमंत्रण सूची भी तैयार की जा रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम तो इस समारोह में शामिल होंगे ही। भाई, यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस समारोह में लगभग 45,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। 200 से ज्यादा वीवीआईपी की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। समारोह में विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा, ये निश्चित है। चर्चा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह स्मृति उपवन की जगह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादियों के बनाए स्टेडियम के अलावा और कोई जगह शपथ के लिए नहीं मिली। दरअसल अखिलेश यादव सरकार के दौरान ही स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। अखिलेश के कार्यकाल के दौरान ही ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था। बाहर से मुगल आर्किटेक्चर वाला और अंदर से खेलों के लिए भी सुविधाओं से लैस है ये स्टेडियम। साल 2018 में योगी सरकार ने स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया था। ये स्टेडियम इतना आलीशान है कि यहां T20 मैच भी आयोजित किया जा चुका है। इस स्टेडियम की क्षमता 50,000 के करीब बताई जा रही है, लेकिन क्रिकेट का ये स्टेडियम अब योगी के दूसरे कार्यकाल का साक्षी बनने जा रहा है। इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि योगी 2.0 की शपथ योगी ने इसी स्टेडियम में ली थी। यहाँ सीएम योगी के साथ साथ उनकी कैबिनेट के संभावित मंत्री भी शपथ लेंगे। आपको बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड ने यूपी में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सूत्रों के मुताबिक होली के बाद होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक लखनऊ में होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख भी तय की जाएगी।